मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से आज तक सुना हूं कि हमें तो कभी डर नहीं लगा, हम भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए कोई चीज़ ऐसी हुई ही नहीं है जो हमें डरा सके। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड की कहानी अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना, तो भले ही कभी नहीं डरे होंगे, लेकिन आज एक अजीब सा डर, एक अजीब सा वहम मन में बैठ जाएगा कि हर पल कोई कहीं से छिप छिप कर आपको देख रहा है। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और ज़्यादा पहले नहीं, अभी से लगभग 15 दिन पहले घटी है। आइए डिटेल में जानते हैं कि ये कहानी कब, किसके साथ, कहां पर, कैसे घटी थी। भाई, दरअसल इसकी शुरुआत तो बहुत समय पहले नहीं हुई, अभी अभी हुई है। अभी अभी गीता और दिलीप नाम के एक न्यूली मैरिड कपल, इनकी शादी हुए कितना टाइम हुआ है, मुश्किल से 4 महीने। ये रहने वाले जयपुर के, गीता बेसिकली रहने वाली मुंबई की थी, लेकिन जयपुर में दिलीप रहते थे, तो उनकी शादी हो गई तो वो भी जयपुर में जाकर बढ़िया सेटल्ड हो गई। अब गीता भी अपना अच्छा खासा जॉब करती थी, और वहाँ पे उनके हस्बैंड दिलीप भी अच्छा खासा जॉब करते। दिलीप पेशे से एक इंजीनियर और गीता पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर। मुंबई में जिस कंपनी में वो काम करती थी, उसी कंपनी की एक ब्रांच जयपुर में भी थी, तो उसे वहाँ पर काम मिल गया। अब जहाँ पर ये लोग रहते थे वो एक न्यूक्लियर फैमिली, मतलब कोई और रहता ही नहीं था पति पत्नी के अलावा। अब जहाँ पर इनका घर था, एग्जैक्टली बाजू वाले बिल्डिंग में गीता के सास ससुर का घर, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब गीता और दिलीप एक घर में रहते थे, और बाजू वाले घर में गीता के सास ससुर और गीता का देवर रहता था, यानी दिलीप का परिवार दूसरे बाजू वाले घर में रहा करता था। शादी के कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक रहा, फिर गीता प्रेग्नेंट हो गई। अभी से लगभग 2 महीने पहले गीता प्रेग्नेंट हो गई, शादी के ठीक 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब से वो प्रेग्नेंट हुई ना, तब से उसे अजीबोगरीब चीज़ महसूस होना शुरू हो गई, जैसे कि वो भी कभी अपने कमरे में बैठी हुई है, कुछ कर रही है, तो उसको ऐसा लगता कि खिड़की से मुझे कोई बार बार देख रहा है। गीता पलट पलट कर देखती तो कोई भी होता नहीं। कई बार हस्बैंड वाइफ बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता पीछे से गीता को किसी ने बुलाया है। गीता को फिर से देखती तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर ऐसा होते होते 4-5 दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है, गीता बड़े आराम से सो रही थी अपने कमरे में, रात के तकरीबन 2-2.5 बजे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि देखो, जब हम सो रहे होते, हम नींद में होते, तो भले ही हमारे पास आके कोई ऐसा खड़े हो जाए, तो हमें फील होता है कि अरे कोई खड़ा हुआ है, आँख खोल के देख लेते हैं। तो वैसे गीता बढ़िया आराम से सो रही थी, उसे भी ऐसा फील हुआ, मतलब एकदम पक्की पक्की नींद नहीं थी, थोड़ी कच्ची पक्की वाली नींद थी, वो बढ़िया से सो रही थी, अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने आके कोई खड़ा हुआ है। तो गीता ने अपनी आँख खोली तो क्या पाई, गीता के चेहरे के सामने एक औरत खड़ी हुई है, जिसने लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, और जैसे कि विधवा औरतों के कपड़े होते ना, पूरी तरह से सफ़ेद, मतलब चूड़ियां भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे खड़ी और घूर घूर कर गीता को देख रही है। गीता ने जोर से चीख दी। अब जैसे उसने एक बार चीखी, तो यहाँ पे खड़ी थी वहाँ से जुप से खिड़की के बाहर हो गई, मतलब गीता को समझ में ही नहीं आया, वो आँख बंद करके चीखी ना, तो अभी तो यहाँ पे थी, अभी जुप से वहाँ पे दिखाई दी। अब जब तक ये चीखी तो बाजू में सो रहे पति की भी नींद खुली। पति ने बोले क्या हो गया, क्या हो गया, तो गीता ने बताई कि देखो देखो, वो औरत मुझे घूर घूर कर देख रही थी अभी कमरे के अंदर से। तो उन्होंने देखे, कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन दिलीप इतने समझदार कि गीता बहुत दिन से ये चीज़ बोल रही थी कि मुझे ऐसा फील होता है कोई मुझे देखता है देखता है देखता है, तो उन्होंने देरी नहीं किए, अपनी पत्नी की बातों को समझते हुए उन्होंने तुरंत बोले कि चलो मम्मी पापा के पास चलते हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, दिलीप की भी उतनी उम्र नहीं थी, दिलीप खुद 26-27 साल का एक लड़का, और गीता भी 23-24 साल की लड़की, तो इनको इतनी समझ नहीं। गए अपने मम्मी पापा के पास, दिलीप के मम्मी पापा के पास, रात के समय, रात के तकरीबन 2-2.5 बज रहे थे, और वो लोग सोए नहीं थे, मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ काम रहा होगा इसलिए जाग रहे थे आज रात में। तुरंत ये घबराए घबराए जैसे पहुँचे हैं दिलीप के मम्मी पापा के घर पे, दोनों पति पत्नी, तो पापा इन्हें देखते से ही समझ गए कि क्या हुआ, तुम लोग बड़े घबराए हुए लग रहे हो। ये लोग कुछ पहले बोलते, उससे पहले दिलीप के पापा ने ही बोल पड़े, कहीं आज तुम लोगों ने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत को तो नहीं देख लिया। तो घबराई घबराई ये गीता बोलती है, हाँ पिताजी मैंने देखी हूँ। वो बोले कि मुझे मालूम था ये होगा एक ना एक दिन,
एक काम करो, आज रात को तुम यहीं पर रुको और मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, वो ताबीज़ पहन लो। अपनी बहू को उन्होंने अपने एक संदूक से ताबीज़ निकाल कर पहना दिए और बोले कि अब परेशानी ठीक हो जाएगी, अब कुछ नहीं होगा, आज रात को उस घर में मत जाना, आज यहीं पर सो जाओ। ठीक है, वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। आज फिर ये लोग अपने घर में जाते, देखो काम पे भी जाना ज़रूरी है, गीता का भी काम चल रहा था, ऐसी मतलब मैटरनिटी वाली लीव नहीं मिली थी लंबी वाली, क्योंकि अभी प्रेग्नेंट हुए 2 महीने ही हुए थे, और हस्बैंड भी मतलब वो भी इंजीनियरिंग का काम करते थे, तो उनको भी अपने ऑफिस में जाना था। तो सुबह सुबह होकर अपने घर में आ गए, फिर तैयार वैयार हुए, दोनों अपने अपने काम पे निकल गए। फिर शाम को जैसे ही मिले, शाम को मिलने के बाद गीता अपने पति को क्या बोलती है कि मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी गाड़ी में बैठ के पीछे कोई आ रहा है। ये घबरा गए, ये बोले यार तुम तो अकेली आते जाते हो और तुम्हारी गाड़ी में तो कोई ऐसा कभी बैठा भी नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मतलब होता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें हम कर देते हैं तो वैसे वहम हमको हो सकते हैं। तो हस्बैंड ने वही बोले गीता को कि यार आज तक तुम्हारी गाड़ी में तो कोई बैठा नहीं है मेरे अलावा, तो तुमको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई बैठा हुआ है? हो सकता है तुम्हारा वो वहम हो, कल रात को ही तुम्हारे साथ वो कांड हुआ है, तुमको वो औरत दिखाई दी थी इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गई होगी, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पिताजी बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं, तो उन्होंने जो ताबीज़ दिया है वो हनुमान जी का ही पढ़ा हुआ है, उनके ही जो हनुमान जी के मंत्र होते हैं उनकी मदद से ही पढ़ा गया है, वो ताबीज़ बनाया गया है, तो उसे तुम पहन लियो तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। गीता बोलती है नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर दोनों की थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल बात हुई और फिर रात में सोने का वक्त आ गया। अब फिर से सोने को हुए हैं कि फिर से गीता को ऐसा एहसास हुआ कि कोई गीता को गीता गीता ऐसा करके बुला रहा है। ये घबरा कर उठी, पति को कुछ बोली नहीं, और फिर से लिटरली फील हुआ कि बेडरूम वाली जो खिड़की है वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है। ये फिर चीखी और ये फिर से उठे, फिर से ये माता पिता के पास गए और माता पिता ने बोले कि देखो भाई उस घर में ही गड़बड़ी है। दरअसल हुआ ऐसा था, मतलब इन लोगों का ही वो घर था, लेकिन उन लोगों ने एक टाइम पे किसी को रेंट पे दिए हुए थे, और रेंट पे जिस औरत को दिए हुए थे वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से। तो उसके बाद से ये घर में कोई रहा नहीं था। फिर उनका ये जो लड़का दिलीप जब बड़ा हो गया था ना और इसकी शादी हो गई थी ना, तो इन लोगों को ये वाला घर रहने को दे दिए थे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगा था कि यार उसकी मृत्यु हुए तो बहुत साल हो गए हैं और इतने दिन में निगेटिविटी कट जाती है। तो अब फिर से रिपीट हो रही थी चीज़ें, तो पिताजी ने बोल दिए कि देखो उस घर में ही ऐसी ऐसी गड़बड़ है, दिलीप को शायद याद भी नहीं रहा होगा, वो बहुत छोटा था, तो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उस घर को खाली कर दो, एक काम करते हैं तुम लोगों के लिए बढ़िया सा कोई आजू बाजू में रेंट का घर देख लेते हैं। ये लोग बोलते हैं ठीक है पिताजी। फिर ये लोग पिताजी के ही घर पे रुके आज रात में। फिर सुबह जब हुई तो इन लोगों को रेंट वेंट का पता चला, आजू बाजू में ही थोड़ा सा था घर, तो इन लोगों ने मतलब सेम डे अपना वो वाला घर खाली कर दिया। खुद का तो घर था, कितना टाइम लगता खाली करने को, लेकिन जब ये घर खाली किए तो चीज़ें भी नॉर्मल हो गई। मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, घटना अभी तो शुरुआत है। तो इन लोगों ने जैसे शिफ्ट किए तो सब नॉर्मल हो गया। आने वाले 15-20 दिन 25 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर 25वें दिन के बाद से, मतलब आज से लगभग 1 महीने पहले से, गीता को ये महसूस होना वापस से शुरू हो गया कि जब वो ऑफिस में बैठे अपना काम कर रही है, अभी भी मैटरनिटी लीव गीता को मिली नहीं है, ठीक है, उसको अभी भी ऐसा फील होने लगा कि वो ऑफिस में बैठ के काम कर रही है तो कोई उसके बाजू में बैठा हुआ है, एक्चुअल में कोई होता नहीं। फिर वो अपने घर पे अपना गाड़ी चला के आ रही है तो फिर ऐसा महसूस होता कि गाड़ी के पीछे वाली सीट में कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब वो मिरर सेट करके देखती तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ये अपने पति को फिर बताना शुरू करी। 5-6 बार जब हो गया ना, तो पहले तो इसको लगा कि वहम होगा नहीं बताऊंगी, लेकिन 5-6 बार जब हो गया तो पति को बताई फाइनली। तो पति ने बोला यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये क्यों हो रहा है? पिताजी ने ताबीज़ भी दे दिए, चलो ठीक है, फिर हमने घर भी खाली कर दिए तो वो निगेटिविटी ख़त्म हो जानी चाहिए ना, लेकिन अब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं हो रहा होगा, मतलब तुम्हारे मन में अब डर बैठ गया। अब पति ने भी हाथ खड़े कर दिए और पति ने लिटरली अपने आप को भी ये समझा दिया कि गीता पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, वो निगेटिविटी कट चुकी है, लेकिन नहीं, ये शुरुआत थी जैसा मैंने कहा। एक दिन की बात है, अभी से ठीक 15 दिन पहले, गीता अपने काम को तो निकली सुबह सुबह,
यही 9:30 बजे के आसपास। लेकिन गीता रात के 2 बजे तक, 2:30 बज गए आज, 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंची। ये फोन ट्राई कर रहे थे, अपनी पत्नी को बार बार फोन लगा रहे थे, लेकिन पत्नी को पहले घंटी गई और उसके बाद घंटी जाना बंद हो गई। तो ये घबरा गए, अपनी गाड़ी उठाए, अपने छोटे भाई को बाजू वाले घर से पकड़े, मतलब मोहल्ले में ही रहते थे ना अभी भी, तो अपने छोटे वाले भाई को पकड़े और दोनों ही अपनी कार से गीता के ऑफिस पहुंचे। तो पाए कि ऑफिस तो बंद हो गया है और ऑफिस में जो चौकीदार होता है ना गेट में, वो बैठा हुआ है। तो चौकीदार से पूछे कि गीता जो यहाँ पे काम करती है प्रेग्नेंट है। चौकीदार बोला हाँ हाँ जानता हूँ। बोले क्या हो गया बताइए। चौकीदार से इन लोगों ने बोले कि वो अभी तक घर नहीं आई है, कि अभी भी बैठ के काम कर रही है वो यहाँ पे। चौकीदार बोलता है नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं, गीता मैडम तो निकल चुकी है अपनी गाड़ी लेके, अपने टाइम पे निकल गई थी शाम के टाइम। तो ये घबरा गए दोनों, हाँ पति और देवर घबरा गए कि जब गीता अपने ऑफिस से अपने टाइम पर निकल चुकी है तो रात के 2:30 बजे तक वो आई क्यों नहीं है। अब ये दोनों बहुत टेंशन में, क्या करें। देवर बोलता है पुलिस के पास चले क्या। इन लोगों ने बोले चलो चलते हैं। दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई और पुलिस के पास जा ही रहे थे कि अचानक से दिमाग में क्लिक किया, एक मिनट, पुलिस के पास जाने से बेहतर है, वहाँ पे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें होगी और टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बेटर है कि गीता के पास जो मोबाइल है वो, मतलब आईफोन था, तो आईफोन जो गीता का था ना वो अपने दिलीप के मैक में ना कनेक्टेड था, तो उसको ट्रैक कर सकता था उसके आईफोन को गीता के, तो मतलब स्विच ऑफ होने के बाद भी ट्रैक हो जाता है, लास्ट लोकेशन पता चलती है। ये तुरंत अपने घर पहुंचे, लैपटॉप ओपन किए और फिर ट्रैक करने की कोशिश किए और लास्ट लोकेशन मिल गई। मतलब मोबाइल स्विच ऑफ होने से कुछ समय बाद तक की लोकेशन दिखाई देती है और लास्ट लोकेशन दिखाई दे दी। जहाँ पर इनका घर था वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई गांव है, वहाँ पर गीता की लोकेशन। तो दोनों पति और देवर घबरा गए गीता के कि गीता यहाँ पे क्यों चली गई, मतलब वो लाइफ में कभी उस गांव में गई नहीं होगी, उस गांव का नाम नहीं सुनी होगी, इनफैक्ट हम लोग भी कभी नहीं गए हैं और गीता तो मुंबई की है, वो अभी शादी हो गई, अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, तो वो वहाँ पे क्यों चली गई। तो इन लोग का दिमाग फिर गया, माथा फिर गया, फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे, फिर से फ़ोन नहीं लग रहा है। बोले गाड़ी उठाओ चलो वहाँ पे। अब लोकेशन को फॉलो करते करते ये लोग लिटरली जहाँ पर पहुँचे हैं ना, इन लोग का दिमाग फटके हाथ में आ गया। जिस जगह की लोकेशन दिखा रही थी वो जगह कोई और नहीं बल्कि उस गांव का कब्रिस्तान था। ये घबरा गए, गाड़ी से उतरे और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को गीता की गाड़ी दिखाई दी। डरे सहमे गीता को इधर उधर ढूंढने लगे, आवाज़ नहीं लगा रहे थे क्योंकि ये एक अलग ही गांव था, दूसरे गांव था, जयपुर से आगे का लगा हुआ, और ज़्यादा चीखते चिल्लाते तो लोग इकट्ठे हो जाते कब्रिस्तान के पास कौन आ गया है। तो ये लोग चुपचाप ढूंढ रहे हैं गीता को, ढूंढ रहे, और किस्मत से ये लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर किए हैं और देवर को कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ लिटरली उस आवाज़ को फॉलो किया और फिर जो देखा ना उसको देख के मुँह से चीख निकल गई लिटरली। अब बड़ा भाई भी, मतलब दिलीप भी, गीता का पति भी थोड़ा आजू बाजू में ही था, बोले क्या हो गया, चिल्लाए क्यों। तो देवर ने डरते डरते दिखाया, देखो भैया, देखा दिलीप ने, सामने थी एक कब्र थोड़ी आगे और वहां पर लिटरली बैठ के गीता उस कब्र को खोद रही है, और मतलब बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही है, मतलब मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। देखो वो बहुत ज्यादा डरावने अंदाज में, मतलब ऐसे कि जैसे कि उसके अंदर मानो कौन सा शैतान सवार हो गया है, वो जोर जोर से खोद रही है और पता नहीं उस कब्र से खोद के वो निकालने क्या कोशिश कर रही है। अरे भाई क्या निकालेगी, कब्र से तो लाश निकालने की कोशिश करेगी ना। दोनों घबरा गए और आओ सोचा ना ताओ दिलीप ने, भागते हुए पत्नी के पास पहुंचे हैं और तुरंत ही छोटे भाई को बोला पकड़ और पकड़े हैं दोनों ने और फिर उठा के लेके आए हैं, सीधे कार में डाले हैं और कार में किस्मत से रस्सी जो रहती है ना, जो टो करने वाली, वो वाली रस्सी रखी हुई थी दिलीप के गाड़ी में। दिलीप ने हमने छोटे भाई के साथ मिलके अपनी पत्नी के हाथ पैर दोनों बांध दिए, कुछ बात नहीं किए, तुरंत गाड़ी में दोनों बैठे हैं और फुल स्पीड में गाड़ी वहाँ से निकाला। तो छोटा भाई बोलता है दिलीप को कि कहाँ जा रहे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं।
वो चिल्ला रही है, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है और बड़ी अजीब आवाज में चिल्ला रही है, छोड़ मुझे, निकाल इसको, तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज, इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं खत्म करके रख दूंगी। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और डर डर में ही दिलीप क्या बोलता है कि देख भाई हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, अब वही जगह है जहां पर गीता ठीक हो सकती है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है ये कौन सी परेशानी है। यहां से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर था मेहंदीपुर बालाजी और अभी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। ये नॉनस्टॉप भगा भगा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, लेकिन ये जो सफर था ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। मतलब पूरे रास्ते में वो जोर जोर से चिल्ला रही है, वो हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस्मत से हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, सिर्फ चिल्ला ही पा रही थी और वो अपनी सुध में नहीं थी, अपने वो होश में नहीं थी, इसलिए जो वो कर सकती थी एक्चुअल होश में रहने के बाद वो कर नहीं रही थी, वो सिर्फ चिल्ला रही थी और धमकियां दे रही थी और आवाज़ तो ऐसी लिटरली बदली हुई थी ना कि कोई नॉर्मल अवस्था में सुन ले तो दहशत बैठ जाए मन में यार, मतलब इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़। वो पहुँचे जैसे तैसे करके 6:30 बजे के आसपास मेहंदीपुर बालाजी और मंदिर की ओपनिंग का टाइम 7 बजे के आसपास से, और किस्मत से आज 7:45 बजे के आसपास ही मंदिर के पट खुल गए। मंदिर के पट खुले तो ये दोनों घबराए घबराए जैसे तैसे करके कंट्रोल करके अंदर गए हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्दी से प्लीज़ किसी पुजारी को बुला दिया जाए क्योंकि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। चलो किस्मत से पुजारी जी ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, वो भी आने की तैयारी में ही थे, आ गए 7 बजे के आसपास, वो भी पहुंच गए और फिर लिटरली जो पूजा अर्चना शुरू हुई है इसके ऊपर वो चली है 3 से 3:30 घंटे। और इस पूरी पूजा में जो गीता है वो ऐसी उछली है, ऐसी ऐसी गालियाँ दी है, इतनी धमकियाँ दी है कि मैं ख़त्म कर दूँगी, तुम्हारा ख़ानदान बर्बाद करके रख दूँगी। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि गीता के अंदर कौन सी आत्मा प्रवेश कर गई है और ना ही पुजारी जी ने ये बताए उन लोगों को। लेकिन फिर 3-3.5 घंटे की जो पूजा पाठ इसके ऊपर हुई है उसके बाद गीता, लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद गीता नॉर्मल हुई। अब पुजारी जी ने बोले कि ठीक है जाओ और ये प्रसाद है, ये चीज़ है, इसका ऐसा ऐसा सेवन करना है, ऐसा ऐसा करना है भाई, ठीक हो जाए। मतलब पुजारी जी ने सब अपने हिसाब से बताए और इन लोगों को भी लगा कि चलो अब ठीक है। गीता को जैसे तैसे करके पकड़ के ले जा रहे हैं दोनों भाई, मंदिर से जस्ट बाहर निकलने ही वाले हैं कि पीछे से दिलीप के माता जी की आवाज़ उसको सुनाई दी। दिलीप ने सोचा अरे मम्मी यहाँ पे, बाद में याद आया पलटने के बाद कि दिलीप की मम्मी तो साथ में आई ही नहीं थी, बूढ़ी थी, अकेले ऐसे कैसे आ जाती इतनी सुबह सुबह, पीछे कोई भी नहीं था। अब दिलीप की फट के हाथ में आ गए, मतलब लिटरली सिचुएशन ऐसी हो गई कि दिलीप को पता था कि मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे छलावे होते हैं, आत्माएं जो भटकती रहती है वो आपको किसी अपने की आवाज़ में पुकारती है और अगर आप उस आवाज़ को सुनकर पलट गए, आपका नाम लेके पुकारेगी, आप उस आवाज़ को सुनकर पलट गए तो बस आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। दोनों डर गए भाई फिर से। गीता तो खैर अपने इतने सेंस में नहीं थी, लेकिन गीता को भी समझ में आया कि क्या हुआ अभी। ये बैठे गाड़ी में, ये पहुँचे जयपुर वापस और लिटरली 15 दिन हो गए हैं और कहा जा सकता है कि दिलीप छोटा भाई, पूरा परिवार और गीता भी इंतज़ार कर रहे हैं वापस से कोई अनहोनी ना हमारे साथ हो जाए, क्योंकि लिटरली जो नहीं होना था मेहंदीपुर बालाजी में वो हो गया, वो दिलीप ने अनजाने में कर दिया। अभी भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ना हो। इसके बाद वो अभी ठीक 1 हफ्ते पहले वापस से मेहंदीपुर बालाजी का चक्कर लगाए हैं और पुजारियों का यही कहना है कि देखिए अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपके ऊपर चीज़ें हावी नहीं हुई हैं, हम पूजा करवा देते हैं, पूजा हुई है, लेकिन फिर भी एक डर लगा हुआ है मन में। हम यही होप करेंगे कि चीज़ें और ना बिगड़े और दिलीप जी के जीवन में जैसे पहले हुआ करता था सब कुछ नॉर्मल, वैसा वापस से हो जाए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप जी के भांजे ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। दिलीप जी की एक बड़ी बहन भी है और उनका जो बेटा है उसने ये पूरी ही पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है, क्योंकि जब बहन को भी पता चला तो बहन ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बहन को फ़ोन में पता चला वो जयपुर में नहीं रहती, वो कहीं और रहती है, तो बेटे ने सोचा अपना परमिशन लिया परिवार वालों से
और फिर बोला कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए भाई, ताकि दुनिया के लोग सतर्क हो सके, क्या क्या चीज़ें दुनिया में घटती है यार, मतलब कितना एक्सट्रीम तरीके से। खैर, इसी एक पॉइंट के साथ, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। आप लोग भी जिस तरह से आर्यन ने मुझे ये कहानी लिखकर भेजा है, आप लोग भी उसी तरह से लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भेज तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो मेरा गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग, मतलब उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे भी अलग ही तरह का मनोरंजन मिलेगा। और अगर आप लोगों को इसी तरह का मनोरंजन पसंद है तो हम लोग कल वापस से इसी अंदाज में तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।